क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में बेटा क्या गिवन है आपको, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर, यानी डायमीटर आपका क्या है 10.5 मीटर, सो रेडियस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 10.5 डिवाइड बाय 2, इसको फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है नाउ। और हाइट गिवन है हमें 3 मीटर, ठीक है। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है पहले कि फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए तो सीधा आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन कोनिकल फॉर्म में है, सो फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर आपका क्या हो गया 10.5/2, आर स्क्वायर है तो दो बार कर दिया हमने इसे, और हाइट आपकी 3 मीटर, क्लियर। 3 से 3 ये कैंसिल आउट, 7 को 10.5 से कट करेंगे, सो 1.5 आ गया आपका, क्लियर यहां तक बेटा। नाउ 22 ये कट किया 11 हो गया, और कोई कट नहीं हो सकते, सो आपका क्या बचा 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 होल अपॉन 2, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, सो क्या हो जाएगा 11 इंटू 1.5, पहले 11 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16.5। अब 16.5 और 10.5 को मल्टीप्लाई करना है आपस में, सो 5 5 25, 2 कैरी 5 6 30, 32, 3 5 3 8 हो गया ये 0 0 0 फर्दर, और 1 से किया तो 165, क्लियर। 5 2 13 1 7 और 1, और दो प्लेस डेसिमल रहेंगे क्योंकि दोनों में एक एक प्लेस डेसिमल है, तो फाइनली दो प्लेस डेसिमल यानी आपका आंसर आ गया 173.25 डिवाइड बाय 2। अभी हमें फर्दर डिवाइड बाय 2 करना है इसे, सो डिवाइड बाय 2 किया हमने तो क्या जाएगा 2 8 16, 1 बचा 13, अगेन 6 यहाँ पे 12 पे 1, और ये 12 अब यहाँ पे डेसिमल आ गया, सो 2 6 12 कट गया ये, और 5 आया आपका, सो 2 2 4, तो दो डेसिमल प्लेस करके हमने निकाल लिया, या इसे फर्दर और कर दिया 3 प्लेस तक तो कैंसिल आउट हो गया 5, सो आपका आंसर आ गया 86.625 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, मीटर में आपको सारी डायमेंशन गिवन थी, तो वॉल्यूम आपका आ गया 86.625 मीटर क्यूब, यहां तक क्लियर बेटा। नाउ अब आपको क्या बोला है कि द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, ठीक है, उसको हमने कवर किया किससे, कैनवस से, रेन से बचाने के लिए, सो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, तो हम उसको ऊपर से ही करेंगे, ठीक है, ये कॉनिकल शेप में था आपका, तो हमें उसको ऊपर से ढकना, यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा हमें उसका, क्लियर। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले हमें उसकी स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, स्लांट हाइट के लिए एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, आर आपका क्या है 10.5/2, यानी 10.5/2 का होल स्क्वायर प्लस हाइट आपकी 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। सो इसको हमने फर्दर डेसिमल डाया तो 21/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, सो 421 का होल स्क्वायर 441/16, और 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे आपका 9, सो अब इसको ऐड किया हमने तो एलसीएम लेके 441 प्लस 69 से कितना हो जाएगा 144 अपॉन 16, सो ये आ जाएगा आपका 589/16, क्लियर। और 589 नियर बाय किसका स्क्वायर होता है, अगर हम 23 का स्क्वायर देखें तो कितना होता है 3 3 9, 3 2 6 और फर्दर 2 3 6 अगेन, और यहाँ पे 4, तो 529 होता है आपका 23 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आप सबको पता होगा क्या होता है 576, ठीक है, तो 24 के स्क्वायर के नियर बाय है, ठीक है, तो 24 ले लिया हमने यहाँ पे बेटा, और अपॉन में 16, 4 का स्क्वायर है,
सो 24/4 यानी कि 6 मीटर ले लिया हमने अपने एल को बेटा, क्लियर, राउंड ऑफ करके लिया ये बेटा अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स ले लिया हमने 6 मीटर एल को। अब हमें क्या निकालना है इसका, कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका 10.5/2 और एल हो गया आपका 6, समझ लो, ठीक है। सो क्या जाएगा यहाँ पे आपका, 10.5 से कट किया 1.5, 2 से कट किया 3, सो 22 × 1.5 33 और 33 × 3 = 99 मीटर क्यूब आपका, मीटर स्क्वायर सॉरी, कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हो, सो मीटर स्क्वायर में आ गया आपका आंसर 99 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें रिक्वायर्ड है 86.625 मीटर क्यूब और कर्व सरफेस एरिया 99 मीटर स्क्वायर आया, मतलब जो हमें कैनवस रिक्वायर्ड होगा वो 99 मीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है।